तो आइए हम लोग आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट फोर, क्वेश्चन नंबर एक से क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल में कुछ कॉन्सेप्ट समझे हैं। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक थर्ड टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, अभिलंब स्पर्श एवं अभिलंब, तो स्पर्श रेखा एवं अभिलंब के बारे में कुछ दिया गया था, कॉन्सेप्ट समझाया गया था। आज थोड़ा सा रिपीटेड करेंगे जो पॉइंट यूज होने वाला। यहाँ पे क्या ना, ए बाई इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व दिया हुआ और इस कर्व को यदि कोई रेखा कोई एक बिंदु पे टच करता है तो ए कहलाता है स्पर्श रेखा, और इस स्पर्श बिंदु पर कोई लंब हो तो कहलाता है अभिलंब। उसके बाद हम लोग को ये समझे थे कि यदि दो स्पर्श रेखा, यदि कर्व का स्पर्श रेखा समानांतर होगा, मतलब कर्व का दो रेखाएं यदि समानांतर हो तो एम वन बराबर क्या होता है एम टू। तो समानांतर के लिए यदि कर्व का कोई स्पर्श रेखा ऐसे भी जा सकता है, कर्व का स्पर्श रेखा ऐसे भी हो सकता है, तो कर्व पे इन्फा ढेरों सा स्पर्श रेखा हो सकता है। तो इस तरह का दो कर्व का स्पर्श रेखा समानांतर कब होता है, जब एम वन इक्वल टू एम टू, मतलब दोनों स्पर्श रेखा का स्लोप क्या होता है इक्वल, ये समझ चुके। और लंब के लिए हम लोग जानते हैं एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन। तो दो रेखाएं परस्पर लंब कब होगा, जब एम वन इंटू एम टू बराबर माइनस वन हो जाए। तो दोनों स्पर्श रेखाएं के अगर स्लोप को मल्टीप्लीकेशन करें और उसका वैल्यू माइनस वन मिलता है तो कह देते हैं दोनों रेखाएं स्पर्श रेखाएं क्या, परस्पर लंब है। और समानांतर के लिए दोनों का ढाल इक्वल होना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 16। तो 16 क्या करा, सिद्ध कीजिए कि वक्र वाई बराबर 7xu प्लस में 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर है जहां x बराबर 2 तथा x बराबर माइनस 2 है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ सॉल्यूशन में वक्र क्या है, वाई बराबर 7xu प्लस में 11। बिंदु दिया हुआ एक्स बराबर 2 तथा एक्स बराबर माइनस 2 ए दिया हुआ, दोनों बिंदु पर स्पर्श रेखाएं समानांतर है सो साबित करना। तो उसको समानांतर चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ढाल निकालना पड़ेगा, किसका, वक्र का। तो कैसे ढाल निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर बाई का डी वाई वाई डी एक्स सत्या 21x² 11 का 0। तो यहाँ पे डी बाई बाई डी एक्स ये किसका ढाल निकल गया, वक्र का ढाल निकल गया, और यहाँ पे 21x². अब डी बाई बाई डी एक्स, अब बिंदु को रख दीजिए, ये वक्र का ढाल है तो जिस बिंदु पर कर रहा स्लोप ये बिंदु पॉइंट को पुट कर देंगे x बराबर 2। तो 21 × 2² तो क्या आ जाएगा, 21 × 2 = 4। यहाँ पे गुना करेंगे तो 81 × 84 आ जाएगा, ये 84 आ गया। 84 क्या निकल गया, स्लोप एम वन, मतलब बिंदु एक्स बराबर 2 पर स्लोप निकल गया, किसका, कर्व का स्लोप, रेखा L1 का स्पर्श रेखा L1 का स्लोप फाइंड हो गया। अब डी बाई बाई डी एक्स, अब पॉइंट रख दीजिए किसका, एक्स बराबर माइनस 2 जब पुट करते हैं 21 × x के जगह पे -2² x के जगह पे क्या पुट कर दे -2। यहाँ पे 21 × 4 ए भी क्या आ गया 84 ए भी, तो ए क्या है ना m2 है, ए क्या है ना m2। तो m1 बराबर क्या निकला m2, मतलब इस बिंदु पर स्लोप और इस पॉइंट पे स्लोप क्या दोनों सेम है, दोनों का स्लोप सेम है, मतलब रेखाएं क्या है समानांतर रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखा।
यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो सिंपल था, वक्र का स्लोप ज्ञात के लिए दोनों पॉइंट वक्र पे रख देते और दोनों का अगर स्लोप इक्वल आया तो समानांतर कह देता, परस्पर लंब है बताइए, तो क्या करते m1 into m2 दोनों स्लोप के मल्टीप्लीकेशन करते। यदि दोनों का सम मल्टीप्लीकेशन माइनस वन आ जाता तो कह देते परस्पर लंब, लेकिन लंब पूछा नहीं, क्या पूछ दिया था समानांतर। समानांतर के लिए केवल स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो स्लोप क्या आया इक्वल आया। ये क्वेश्चन नंबर 16। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 ध्यान देंगे। 17 क्या करा, वक्र वाई बराबर एक्स क्यू सॉल्यूशन में इसको समझना पड़ेगा ध्यान से क्वेश्चन को। वक्र दिया हुआ वाई बराबर वक्र वाई इक्वल टू एक्स क्यू, इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, बिंदु मतलब पॉइंट्स फाइंड करने के लिए कर रहा, जिन पर स्पर्श रेखाएं की प्रवणता मतलब स्पर्श रेखा की ढाल बिंदु के बाई निर्देशांक के बराबर है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब डी बाई बाई डी एक्स बाई निर्देशांक के बराबर है, मतलब बाई कोऑर्डिनेट के बराबर है। फिर से रिपीट क्या करा, वक्र वक्र गिवन कर दिए, ये आपका वक्र गिवन है। फिर क्या करा, पर उन बिंदुओं को ज्ञात के मतलब पॉइंट्स फाइंड करना जिन पर स्पर्श रेखाएं की प्रवणता, स्पर्श रेखाएं की प्रवणता मतलब डी बाई बाई डी एक्स बिंदु के बाई निर्देशांक के बराबर, बाई निर्देशांक मतलब बाई कोऑर्डिनेट बाई के बराबर, ये गिवन है। तो पॉइंट फाइंड करना, तो पॉइंट स्लोप फाइंड कर लेंगे, तो स्लोप क्या हो जाएगा, कर्व का डी बाई बाई डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर। अब डी बाई बाई डी एक्स फाइंड कर ले, अब डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहां से पुट कर दे, तो बाई बराबर थ्री एक्स स्क्वायर और बाई का वैल्यू यहां से कर्व से पुट कर दे तो एक्स क्यू बराबर में थ्री एक्स स्क्वायर। अब यहां से इसको कट नहीं किया जाता, कट कर दिए मतलब गलत हो जाएगा, एक्स क्यू वेरिएबल को कट नहीं करते, तो थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे वेल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर जीरो और एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, इतना बराबर जीरो इतना बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या आ गया जीरो और यहाँ एक्स बराबर क्या मिल गया थ्री। यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट कर देते तो एक्स का वेल्यू केवल थ्री आता, जो एक्स का वेल्यू कितना आएगा दो वेल्यू, इसीलिए कट नहीं करते, तो एक्स का वेल्यू क्या फाइंड हो गया दो। अब एक्स का मान किस में रखने पर, वक्र में रखने पर, वक्र में रख दीजिए एक्स का मान, वक्र क्या ना यहाँ पे है बाई बराबर जीरो क्यू और बाई बराबर थ्री क्यू, तो बाई बराबर थ्री क्यू, तो बाई जीरो क्यू मतलब जीरो, बाई क्यू मतलब क्या सताइस, सताइस, तो पॉइंट बिंदु बिंदुओं 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 क्या फाइंड हो गया जीरो जीरो और जीरो जीरो और थ्री सताइस, ये हो गया बिंदु। तो सिंपल था, तो ये हम लोग क्वेश्चन बना लिए, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा टफ है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन 18 क्या कर रहा है, वक्र ए गिवन है दिया हुआ सॉल्यूशन में, ध्यान से समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। वक्र गिवन है बाई बराबर वक्र बाई बराबर फोर एक्स क्यू माइनस में टू एक्स के पावर फाइव, करा उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है, तो जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाते थे, इसको ग्राफ में ग्राफ से समझाते तो आप समझने में आसान होगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तभी इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। ए दिया हुआ वक्र बाई बराबर फोर एक्स क्यू माइनस टू एक्स के पावर फाइव और ए कहा जा रहा है इसका जो स्पर्श रेखा है, ये जो स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श बिंदु ज्ञात करने के लिए कह रहा है अल्फा और बीटा ज्ञात करना है, ये स्पर्श बिंदु, जब यह स्पर्श रेखा मूल बिंदु से पास करता हो, किससे मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से पास करता है,
ये मूल बिंदु से पास कर, मूल बिंदु क्या होता है जीरो जीरो बोल दिया, मूल बिंदु से होकर जाती है। तो स्पर्श रेखा किससे जा रहा है, मूल बिंदु से। मान लेते यहाँ पर क्या है मूल बिंदु है, तो स्पर्श रेखा मूल बिंदु से जाते हुए कर्व को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो उस स्पर्श बिंदु को करा फाइंड करने के लिए, तो ये बिंदु को फाइंड करेंगे तो ध्यान दे कैसे इसका फाइंड करेंगे, तो इसको इस पॉइंट को ना, ये पॉइंट बिंदु पी किस पे है, कर्व पे है, तो ये बिंदु इस कर्व में पुट कर देते हैं। तो बाई के जगह पे क्या हो जाएगा, बीटा बराबर में 4 अल्फा क्यू माइनस में 2 अल्फा के पावर 5। यही क्वेश्चन है ना, हाँ क्वेश्चन चले ठीक है, ए दिया हुआ। तो ए हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट का वैल्यू फाइंड करना पुट कर दे, क्या गिवन है, बाई बराबर 4xq, बाई बराबर 4xq, एक बीटा बराबर यहाँ आ गया, इसको पहले लिख दे, बीटा बराबर 4 अल्फा क्यू माइनस में 2 अल्फा पर पावर 5। तो बाई बराबर क्या गिवन है, बाई बराबर गिवन है 4xq माइनस में 2x के पावर 5, ये गिवन है आपका कर्व। और इस कर्व को ना डिफरेंशिएट, स्लोप फाइंड कीजिए, इस कर्व का क्या फाइंड कीजिए, स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड होगा, डिफरेंशिएट कर, तो डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएट सभी हम लोग जानते हैं dy/dx, तो 4 × 12x² माइनस में 5 × 10x⁴। ए फाइंड हो गया स्लोप किसका, कर्व का। तो कर्व पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ना पुट कर दीजिए, तो इस कर्व पे इस पॉइंट को पुट कर, तो इस कर्व पे पॉइंट को dy/dx, तो अल्फा और अल्फा बीटा पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा 12 α² माइनस में 10 α/4। ए हम लोग का क्या फाइंड हो गया, स्लोप फाइंड हो गया। अब स्लोप फाइंड हो गया तो इस लाइन का ना इक्वेशन ज्ञात कर लीजिए, तो लाइन का इक्वेशन ज्ञात कर लेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y − y1 बराबर m × x − x1। एम ए सी को सूचित करते हैं एम से भी, हम लोग सभी जानते हैं। तो y − y1 इसमें क्या हो जाएगा, y1 यहाँ पे पॉइंट हम लोग, तो y − y1 आपका पॉइंट मिल जाएगा, y1 क्या है ना बीटा, y1 बीटा पुट कर देंगे बराबर में m का वैल्यू, m अभी स्लोप फाइंड किए, स्लोप क्या फाइंड हुआ 2α² − 10α/4 × x − x1 क्या ना x1 अल्फा है, तो ए अल्फा पुट कर दिए। तो यहाँ पे y − बीटा का वैल्यू अभी फाइंड किए, बीटा बराबर क्या है ना, बीटा बराबर 4α³ और माइनस में 2α/5 इक्वल टू यहाँ पे 2 वेल, इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग और ए लिख देंगे यहाँ पे 12α² माइनस में 10α/4। और अभी इसी तरह से रहने दीजिए एक्स माइनस में अल्फा। अब यह रेखा किसका, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया, यह स्पर्श रेखा का समीकरण किससे पास हो रहा, यह स्पर्श रेखा का समीकरण मूल बिंदु से पास हो रहा, यह स्पर्श रेखा किससे पास हो रहा, मूल बिंदु से। तो यहाँ पे बोलते स्पर्श रेखा जब मूल बिंदु से गुजरती है, तब जब मूल बिंदु से गुजरता है, तो इसमें अब मूल बिंदु वैल्यू पुट करेंगे। तो यह स्पर्श रेखा किससे पास कर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो इसमें मूल बिंदु को पुट, यहां रफ कह लेते, किससे गुजर रहा, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु यहां पे पुट कर देंगे x के जगह पे y = 0 और माइनस में
फोर अल्फा क्यू माइनस माइनस प्लस में टू अल्फा पर पावर फाइव इक्वल टू टू वेल अल्फा स्क्वायर माइनस में टेन अल्फा पर पावर फोर और इंटू इंटू एक्स एक्स अल्फा मूल बिंदु से पास करा है मतलब जीरो जीरो एक्स बराबर जीरो माइनस में अल्फा मूल बिंदु से पास करा है तो इसमें इस समीकरण में मूल बिंदु क्या कर देते लाइज कर देते मतलब रख देते। तो इस समीकरण में जब मूल बिंदु रखे तो क्या मिल गया माइनस में फोर अल्फा क्यू प्लस में टू अल्फा पर पावर फाइव। अब माइनस अल्फा को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो माइनस में बारह अल्फा क्यू माइनस में यहाँ पर हो जाएगा प्लस टेन अल्फा पर पावर फाइव। अब इसको ऐड कर दीजिए ये बारह इधर आकर ऐड हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते आठ अल्फा क्यू बराबर इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे आठ अल्फा पर पावर फाइव। अब इसमें इस एट एट कैंसिल तो अल्फा क्यू माइनस में अल्फा पर पावर फाइव इक्वल टू जीरो तो अल्फा क्यू यहाँ से कॉमन लेंगे तो अल्फा क्यू कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा वन माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर में जीरो वन माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर जीरो। तो ए फाइंड हो गया। अब यहाँ से हम लोग अल्फा क्यू बराबर जीरो और वन माइनस अल्फा स्क्वायर बराबर भी जीरो तो अल्फा अल्फा बराबर जीरो अल्फा स्क्वायर बराबर वन तो अल्फा बराबर प्लस माइनस में वन तो अल्फा का वैल्यू क्या फाइंड हो गया जीरो और अल्फा का वैल्यू प्लस यहाँ पे आ गया माइनस वन और प्लस वन। अब अल्फा का मान हम लोग पुट कर देंगे समीकरण किसमें अब वक्र में पुट कर दीजिए अल्फा का मान किसमें पुट कर देंगे वक्र में तो अल्फा का मान हम लोग पुट कर देंगे वक्र में वक्र बीटा बराबर हम लोग क्या फाइंड कर चुके थे बीटा बराबर फाइंड हो गया था फोर अल्फा क्यू माइनस में टू अल्फा पर पावर फाइव टू अल्फा पर पावर फाइव इसको समीकरण फर्स्ट कह लेंगे तो ए अल्फा बीटा का मान इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे बोल देंगे अल्फा और अल्फा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा यदि अल्फा का वैल्यू जीरो रखते हैं तो जीरो रखेंगे तो फोर इंटू जीरो क्यू माइनस में टू इंटू जीरो पर पावर फाइव तो क्या मिल जाएगा बीटा का वैल्यू जीरो। यदि बीटा का वैल्यू वन रख दिए माइनस वन रख देंगे तो माइनस वन रखेंगे तो माइनस में फोर और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस टू तो क्या गया वैल्यू माइनस में टू। यदि बीटा का वैल्यू प्लस वन रखे तो फोर और माइनस टू तो क्या गया टू तो यहाँ पे बिंदु ज्ञात हो गया बिंदु क्या हो गया जीरो रखते हैं तो जीरो मिलता है और माइनस वन रखते तो क्या मिलता है माइनस टू जब माइनस वन पुट करते तो माइनस में टू और प्लस वन रखने पे प्लस टू ए हो गया बिंदु। तो ए स्पर्श रेखा जब मूल बिंदु से पास कर रहा है तो कर्व को किस बिंदु पे टच करेगा तो कर्व को मूल बिंदु पे भी टच करेगा माइनस वन और माइनस टू पे टच करेगा वन टू बिंदु पे टच करेगा। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। 19 का रहा वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे एक्स अक्ष के समांतर है। तो एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन में क्या गिवन है वक्र एक्स स्क्वायर दिया हुआ वक्र उसको लिख लेंगे। वक्र गिवन है मतलब कर्व एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो करा पॉइंट मतलब बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए बिंदु पर उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिन पर वे एक्स अक्ष के समांतर है एक्स अक्ष के समांतर मतलब स्पर्श रेखा किसके समांतर है एक्स अक्ष के समांतर है। तो हम लोग सभी जानते हैं
कि स्पर्श रेखा जब एक अक्ष के समांतर हो तो उसका स्लोप क्या होता है, जीरो। तो स्पर्श रेखा का स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब डी बाय बाय डी एक्स का वैल्यू जीरो। अब हम लोग वक्र का स्लोप फाइंड करेंगे। वक्र का स्लोप कैसे फाइंड करते, और वक्र को डिफरेंशिएट कर, तो एक स्क्वायर का डिफरेंशिएट टू एक्स, बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट टू बाई, और बाई का डिफरेंशिएट डी बाई बाय डी एक्स माइनस टू, एक्स का डिफरेंशिएट वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब ये डी बाई बाय डी एक्स का वैल्यू जीरो गिवन था, अब वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो टू एक्स प्लस टू इंटू बाई इंटू जीरो माइनस टू, ये आ गया यहाँ पे कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट तो जीरो होता है, जीरो। तो यहाँ से फाइंड हो गया टू एक्स और इतना इंटू समथिंग जीरो, माइनस में टू एक्स बराबर जीरो, तो टू एक्स बराबर टू, तो टू टू कैंसिल, एक्स बराबर वन। तो यहां से वेल्यू अब बोल देंगे एक्स का मान, एक्स का मान वक्र में रखने पर, तो एक्स का मान वक्र में इक्वेशन में कर्व में रख दीजिए, तो वन का स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर माइनस में टू इंटू वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहां से सॉल्व कर लेते, तो ए क्या हो जाएगा, बाई यहां पे बाई स्क्वायर बराबर तीन दो पांच, और एक घट जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस में चार। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन प्लस में बाई स्क्वायर माइनस में पांच बराबर में जीरो।